फाइनली हम पहुंच गए हैं लालगढ़ बीकानेर के पास राजस्थान। हम आप लोग को राजस्थान का कुछ बीकानेर का जूनागढ़ का किला ये सब कुछ हम दिखाने का कोशिश करेंगे। मेरा जो ट्रेन था वो था ये डिब्रूगढ़ से चल करके लालगढ़ तक के, बहुत लंबी सफर ट्रेन ही करती है, लगभग 3000 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर के आसपास ये दूरी तय करती है। तो आप लोग को हम दिखाएंगे जूनागढ़ के किला और राजस्थान का ये रेत और पूरा बालू का रेत और ये सब आप लोग को दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा आगे और आप लोग को घुमाएंगे थोड़ा सा राजस्थान। आ गए हैं तो आप लोग को भी साथ में घुमा दें कि कैसा है क्या है राजस्थान में, ठीक ना। वीडियो में बने रहिए। हम बाहर आ गए हैं लालगढ़ जंक्शन के बाहर। देखिए बाहर का कुछ नज़ारा इस प्रकार है और यहाँ पे एक पेड़ है, आप लोग को दिखा दे रहे हैं कैसा पेड़ है। बैर का पेड़ है, वो बैर जो हम लोग बैर जो खाते हैं लोग बैर, उसी का पेड़ है। यहाँ पे कुछ अलग टाइप का बैर है, देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम, ये है थोड़ा सा ये लाल लाल पीला पीला टाइप का। और यहाँ पे एक पेड़ है, देखिए हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये लालगढ़ जंक्शन। यहाँ से बीकानेर बहुत नज़दीक ही है, पास में ही है। ये है बाहर, हम लोग ट्रक का लिफ्ट लिए हैं, यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह का व्यवस्था नहीं था। ये अंकल है और भाई साहब यही साथ दिए हैं ग्रुप में, और ये हम लोग चल दिए हैं फिर अपने आरपी कैंप की ओर। और इधर दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको हम दिखा रहे हैं पहाड़ी इलाका, हम दिखा नहीं स्टार्ट हुआ। हाँ ये है बाहर का इलाका और ये देखिए रोड, इधर का रोड में ट्रक छोड़ कर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ओनली ट्रक। ये जैसलमेर नेशनल हाईवे है और इधर देख लीजिए ये बंजर भूमि, ये बालू का रेत और ये खंडहर। और इसमें देखिए ये बैठे हैं लोग भाई साहब, ये महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश और बिहार, और ये ड्राइवर। दिखाई दे रहा है कोई आदमी नहीं, कोई कुछ नहीं, जानवर है ही नहीं, तो आदमी का क्या बात कर सकते हैं। फाइनली हम लोग रोड पर आ चुके हैं, ट्रक से उतरे हैं लोग अभी। उसके बाद इधर एक ढाबा दिखाई दे रहा है, इसी ढाबा में हम लोग खाना उना खाएंगे, रुकेंगे यहीं पे, आप लोग को दिखाएंगे खाना उना सब, ठीक है। खाना हम लोग को मिल गया है, खाना खाने के लिए होटल में हम लोग आ गए हैं। और देखिए ये यहाँ का ये रोटी बड़ा है, ये सब्जी और दाल, यहाँ पे भाई लोग भी हैं साथ में खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे ये भी भाई हैं, खाना हम लोग खा रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई? अरे एकदम बढ़िया है, राजस्थानी खाना है ना भाई साहब? अच्छा ये राजस्थानी खाना है। और ये राजस्थानी मूली लेकर आ गए भाई, देखिए राजस्थानी मूली, नहीं हम नहीं खाएंगे राजस्थानी मूली, ये आधा चाहिए थोड़ा। और ये फाइनली हम लोग खाना शुरू करते हैं, टीका रखते हैं ना लेगा ना, गाजर बोलते हैं जो रेड वाले, जो रेड वाले ना उसको भी गाजर गाजर बोला, मुरैया गाजर बोला, क्या बोल रहा मूली को गाजर बोलता है, बताओ। गाजर। तो देखिए सोने के लिए यहाँ पे व्यवस्था हो चुका है, देखिए सोने के लिए नीचे यही व्यवस्था है। और ये बेड लाए हैं कहीं से, और यहाँ पे थोड़ा सा बेड कैसा है, थोड़ा सा गंदा है लेकिन ठीक है, मजा आ रहा है यहाँ पे सोने में। ये हॉस्टल वाला जिंदगी, यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग हैं और बहुत अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, महाराष्ट्र और ये कर्नाटक, महाराष्ट्र ये भाई, महाराष्ट्र और ये बिहार से मिल गए, और ये इधर भी हैं कुछ लोग, और इधर कुछ लोग कंबल में हैं, कुछ लगे हुए हैं ये भाई जो है अभी। और यहाँ पे सोने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है, अच्छा मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है भाई? मस्त मस्त लग रहा है। आप बोलिए भाई। सुपर लग रहा है भाई। हाँ भाई कैसा लग रहा है? इधर भी बोलिए। बढ़िया 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 लग रहा है, बढ़िया।
भैया की शादी है। अच्छा कराता है। अच्छा अच्छा भैया का लड़की देखिए फाइनली ये सोने का व्यवस्था है। खाना पीना हो गया। खाना पीना बन रहा है उधर में। बता दो भाई।